स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। अभी तक हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और अब लास्ट पार्ट है हमारा एक्सक्रीशन। सो लेट्स बिगिन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैशियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट विच नीड्स टू बी रिमूव्ड। सो अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो हम जो हमारे पिछले पार्ट्स है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो गैशियस वेस्ट होता है उसको हम किस तरीके से रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गैशियस वेस्ट जो है हमारा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और अगर हम अपने बॉडी के मेजर वेस्ट के बारे में बात करें, मेजर एक्सक्रीशन के बारे में बात करें, सो हमारी बॉडी का जो मेजर एक्सक्रीशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इट इज नॉट यूरिन, इट इज नॉट सॉलिड वेस्ट, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम पूरे के पूरे 24 घंटे रिलीज करते रहते हैं। ओके, इनफैक्ट जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम उसको रिलीज कर रहे होते हैं। सो हमारी बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी पार्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लेकिन हम उसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं रेस्पिरेशन में। अब हम बात करने वाले हैं हमारे लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट के बारे में। सो ये वाले जो वेस्ट होते हैं हम इनको बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक गैशियस वेस्ट है, और जो लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट है वो नाइट्रोजनस मटीरियल है। The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. ठीक है, so excretion की definition अगर आपसे पूछी जाए तो वो क्या है? Biological process जिससे जो हमारी body के अंदर metabolic harmful wastes होते हैं उनको remove करने का जो process है वो होता है excretion. Different organisms use varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. So, अगर हम इस बारे में बात करें कि जो unicellular organisms होते हैं वो एक simple diffusion के through ही अपना जो excretion है वो surrounding water में excrete कर देते हैं. Okay, so different organism different strategies को use करते हैं. As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. और अगर हम जो multicellular organisms हैं उनके बारे में बात करें तो उनके पास specialized organs होते हैं इस function को perform करने के लिए. So, next part में हम करने वाले हैं excretion in human being. So, चलिए start करते हैं 6.5.1 excretion in human beings. The excretory system of a human being includes a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. So again, आप लोगों को इस पैराग्राफ को समझने के लिए ये डायग्राम अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किडनीज कहाँ पे है, यूरेटर्स कहाँ पे है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है एंड यूरेथ्रा कहाँ है। सो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या फिर आपने अगर अपने साथ में एनसीईआरटी बुक रखी हुई है तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सी चीजें कहां पे हैं, तभी आप इस पैराग्राफ को इस डायग्राम के साथ रिलेट कर पाएंगे। सो किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। किडनीज हमारे बॉडी में दो होती हैं, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। यूरिन जो कि किडनीज प्रोड्यूस करती हैं वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है, और एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे होते हुए यूरेथ्रा से रिलीज कर जाती है। ओके, सो किडनी सो यूरिन को प्रोड्यूस करने का काम किसका है? किडनीज का। देन किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प कौन करता है? यूरेटर। यूरेटर एक पाइप होती है जो कि किडनी और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसको कनेक्ट करती है। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर में जब बहुत प्रेशर बिल्डअप होने लगता है तो यूरेथ्रा की हेल्प से हम उसको हमारी बॉडी से बाहर रिलीज कर पाते हैं। तो जो
यूरेथ्रा है वो भी क्या है, वो भी एक पतली सी पाइप है. सो हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. जो मेन पर्पस है यूरिन बनाने का वो है ब्लड की फिल्ट्रेशन. ठीक है, ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको फिल्टर किया जाता है और फिल्ट्रेशन के बाद जो मोस्ट रिजेक्टेड वाटर होगा वो बन जाएगा यूरिन. जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज. सो जैसे कि जो हमारा लंग है वो क्या करता है कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, सेम वेज जो हमारी किडनीज होती हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिया और यूरिक एसिड है उसको रिमूव कर देते हैं हमारे ब्लड से. इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज. ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन. सो यहां पे आपको बताया गया है कि लंग्स की तरह जो किडनीज है उसमें भी क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो कैपिलरीज होते हैं उनका क्लस्टर, यानी कि उनका यू कैन से के व्हाट वी कॉल दैट, कैपिलरीज का जो झुंड है वो वहां पे हुआ होता है. एंड जो ईच कैपिलरी है, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड. एक कप शेप एंड का ट्यूब होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो यूरिन को फिल्टर कर देती है. ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, और इस फिल्ट्रेशन यूनिट को नेफ्रॉन बोलते हैं. यहां पे जो यूरिन है उसकी फिल्ट्रेशन होती है, विच आर पैक्ड क्लोज टूगेदर. जो नेफ्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं. सम सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वॉटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब. तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और कुछ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये फिल्टर होते हैं, और फिल्टर होने के बाद जो इसमें रिजेक्टेड मटेरियल्स होते हैं, इन सब में रिजेक्टेड मटेरियल्स होते हैं वो फिर यूरिन को फॉर्म करते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट आर देयर इन इज टू बी एक्सक्रीटेड. अब कितनी अमाउंट में जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब होगा, यानी कि वो यूरिन बनेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है और हमारी जो बॉडी है उसमें कितना डिजॉल्व वेस्ट है. इन दो चीजों से डिपेंड करता है कि कितना यूरिन प्रोड्यूस होगा. द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर. सो यूरिन जो है वो ईच किडनी से एक लॉन्ग ट्यूब के थ्रू, जिसका नाम है यूरेटर, जो ये लॉन्ग ट्यूब है उसका नाम है यूरेटर, ठीक है, तो ये जो यूरेटर है ये कनेक्ट करेगा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपैंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा. और फिर इस यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगा तो हमारी बॉडी में एक स्ट्रांग अर्ज होगी कि हमें यूरिन पास करना है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा. द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट. सो ये जो ब्लैडर है ये मस्कुलर है और इसमें नर्वस कंट्रोल होता है, तो इसकी वजह से हम हमारे यूरिनेट करने की जो अर्ज है, यानी कि जो हमारे को प्रेशर फील हो रहा है इफ यू वांट टू यूरिनेट और नॉट, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि जो ब्लैडर है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल्ड में होता है. ओके सो ये था आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. अब नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन.